असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव डूबने से भीषण हादसा हो गया। नाव में स्कूली बच्चे, वरिष्ठ अधिकारी समेत कई लोग सवार थे। 15 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है जबकि कई लोग लापता हैं। असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव में लगभग 100 यात्री सवार थे और उस पर 10 मोटरसाइकिल भी लादी गई। नाव में सवार एक सरकारी अधिकारी और स्कूली छात्र समेत कई लोग लापता हैं। जिले के आला अधिकारी ब्रह्मपुत्र नदी में निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने जा रहे थे। नाव भाषानी जा रही थी और धुबरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर अरबरी में एक पुल के खंभे से जा टकराई और पलट गई। स्थानीय लोगों ने अपनी नाव से बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि राज्य आपदा मोचन बल के तैराकों की भी मदद ली जा रही है। असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। लिखा, आज धुबरी में ब्रह्मपुत्र में नाव पलटने की घटना की खबर से आहत हूं। नाव में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी में आए दिन बाढ़ की वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं। कुछ दिन पहले असम के ही सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई थी। नाव में 3 जवान सवार थे, 2 जवान तैरकर निकल गए जबकि 1 जवान लापता हो गया था।